2014 तक के पेपर का हमने अध्ययन कर लिया था। हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2015 के। पेपर 2015 में जो पहला जो क्वेश्चन आया था राजस्थान बोर्ड में, वो था 4×10⁻⁹ आवेश के कारण इससे 9×10⁻²⁰ मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव को परिकलित कीजिए। तो देखो यहाँ हमें दे रखा है Q का जो मान है वो तो ये दे रखा है 4×10⁻⁹ और R का मान दे रखा है 9×10⁻²⁰ मीटर और V का मान हमसे पूछना चाह रहा है। V बराबर होता है KQ/R। K की वैल्यू 9×10⁻⁹ होती है, Q की वैल्यू 4×10⁻⁹ होती है और R की वैल्यू 9×10⁻²⁰ होती है। 9 से 9 कट गया, 10⁻⁹ से 10⁻⁶ कट गया। यहाँ 4 है, 10⁻²⁰ ऊपर गया तो 10⁻²⁰ हो गया और V का मान हो गया 400 वोल्ट। अगला क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन ने 10 सेमी त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोष की सतह पर 10 वोल्ट विभव है। इसके केंद्र से 5 सेमी दूर विभव का मान ज्ञात कीजिए। सवाल कहना चाह रहा है कि गोलीय कोष की त्रिज्या 10 सेमी है और उसकी सतह पर 10 वोल्ट का विभव है केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर। समझना मेरी बात को कि 10 सेमी की त्रिज्या का गोलीय कोष है और 5 सेमी की दूरी पर हम गोलीय कोष के अंदर ही रहेंगे और गोलीय कोष के जब हम अंदर ही रहेंगे तो गोलीय कोष के अंदर जो विभव होगा वो उसकी सतह पर उपस्थित विभव के समान होगा। तो गोलीय कोष के अंदर विभव का मान उसकी सतह पर विभव के मान के समान होता है, इसलिए गोलीय कोष के अंदर विभव 10 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता के लिए संबंध प्राप्त कीजिए, परिपथ चित्र बनाइए। ये आपको थ्योरी में मैंने स्पष्ट रूप से लिखवा रखा है और आधा नंबर तो इसके डायग्राम का है, 2.5 नंबर इसकी थ्योरी का है और 3 नंबर का सवाल आया था। अगला सवाल है, 10 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है को श्रेणी क्रम संयोजन में और उसके पश्चात समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर तुल्य धारिताओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, आधा नंबर का। हालांकि सवाल बड़ा है, नंबर आधा दिया है, ये गलत है, लेकिन चलो दे रखा है जो दे रखा है, हमें इसको सवाल को देखना है। हमारे पास 10 कैपेसिटर हैं और प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है, पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/CS=1/C1+1/C2+...1/CN होता है और इसमें 1/CS=1/10+1/10+1/10 हो जाएगा और इन सबको अगर हम जोड़ें तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 10 बार, चूंकि 1/10 को 10 बार जोड़ा गया है तो ये ऊपर हो जाएगा 10/10, क्योंकि 10 अगर मैं लघुत्तम लूँगा तो हर जगह 1+1+1+1 ऐसा 10 बार होगा, तो 1 को 10 बार जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। तो 1/CS बराबर हो जाएगा 10/10 और 10 से 10 कट जाएगा, CS बराबर हो गया 1 माइक्रोफेरेड। इसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1+C2+...CN होता है। तो यहाँ 10+10+...10 10 को हम 10 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास 100 प्राप्त होगा, तो CP की वैल्यू हो गई 100 माइक्रोफेरेड। तो प्रश्नानुसार सवाल कह रहा था कि समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों को हमें आपस में गुणा करना है, अर्थात इनकी तुल्य धारिताओं को आपस में गुणा करना है, इसलिए ये हो जाएगा 1/100 माइक्रोफेरेड का स्क्वायर। क्योंकि एक CS की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड आई थी तो और इसकी वैल्यू 100 माइक्रोफेरेड आई थी, तो 1/100 माइक्रोफेरेड × माइक्रोफेरेड बराबर हो गया माइक्रोफेरेड का स्क्वायर, या CS×CP बराबर 100 माइक्रोफेरेड का स्क्वायर। 3 नंबर है कि 4 माइक्रोफेरेड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया जाए। ये भी आधा नंबर का सवाल आया था।
बहुत सिंपल सी बात है, हम अच्छे से जानते हैं कि परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता जो है वो Cm इज इक्वल टू C गुणा एप्सिलॉन आर होती है। C की वैल्यू होती है 4 माइक्रोफेरड तो, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 2, तो Cm बराबर हो गया 4 गुणा 2 = 8 माइक्रोफेरड आंसर। अगला, किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। पहला क्वेश्चन ये आपको पढ़ा रखा है, एक नंबर का आया था। अगला था विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, ये भी आपको लिखवा रखी है। किसी बिंदु आवेश कैपिटल क्यू से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, ये भी आपको थ्योरी में लिखवा रखी है। बिंदु आवेश क्यू के लिए विभव वी व दूरी आर के बीच ग्राफ बनाइए, ये भी आपको बना रखा है, वहाँ व्युत क्रमानुपाती ग्राफ बन रहा था। सवाल छोटा ही है, नंबर 4, क्या ज़्यादा मैटर नहीं है इसमें, पर ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, में चलते हैं। एक समांतर पट्टी का संधारित्र, समांतर पट्टी का वायु संधारित्र की धारिता 8 पिको फैरड है। यदि इसकी पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दें और इसके बीच 5 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दें तो अब संधारित्र की धारिता को ज्ञात कीजिए। समय 2 नंबर का सवाल आया था, तो 2017 में ये न्यूमेरिकल आया था, और सेम ये न्यूमेरिकल मैंने जो पहले जो न्यूमेरिकल कराए इस चैप्टर के अंदर उसमें ये सवाल वहाँ रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपको वहाँ से देखना है। 2018, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है, और बताइए कि यह राशि सदिश है या अदिश। हालांकि ये सवाल भी मैंने अति लघुतरात्मक में लिखवा रखा है, फिर रिपीट कर दिया क्योंकि छोटा सा उत्तर है इसका। तो जूल प्रति कूलाम जो मात्रक है वो विद्युत विभव या विभवांतर का होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, विद्युत विभव की परिभाषा में। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। W का मात्रक जूल होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है, और जूल बटे कूलाम की बात ही हमसे कर रहा था। तो इसका मात्रक वोल्ट, जूल बटा कूलाम, इसका मतलब जूल बटा कूलाम जो है वो वास्तव में विद्युत विभव क्या ही मात्रक है, और विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, तो यह एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, 10 सेमी त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर विभव का मान 50 वोल्ट है, गोलीय कोष के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल देखिए आप कि मतलब 10 सेमी त्रिज्या का आवेशित गोलीय कोष है और उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान 50 वोल्ट है। देखिएगा, हम जानते हैं कि आवेशित गोलीय किस गोलीय गोले की सतह पर विद्युत विभव वी एस, एस का मतलब सरफेस, सरफेस मतलब सतह, और इसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और उसका मान सवाल ने हमें 50 दे रखा है सतह के लिए। आगे बढ़ते हैं, गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव, वी बराबर क्या होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू सवाल ने 20 सेंटीमीटर यहाँ दे रखी है, तो 20 सेंटीमीटर की वजह से के क्यू अपॉन स्मॉल आर में स्मॉल आर की जगह मैं 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर लिख सकता हूँ, इसलिए के क्यू अपॉन 0.2 हो गया। अब इनका आपस में भाग लगाओ, वी अपॉन वी एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये तो मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है, और वी एस नीचे था तो इसको नीचे रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा आर अपॉन के क्यू, ऐसे देखो ये हो गया आर अपॉन के क्यू से के क्यू कट गया और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर आ गया। हमें चूंकि यहाँ वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी एस को इधर भेज दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू जाएगी वी बराबर आर गुणा आर और गुणा वी एस, आर का मान 0.1 और ये इसका मान 0.2 और इसका मान 50, सोल्व किया तो 25 वोल्ट आ गया। संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, और सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात चालकों की धारिताओं के व्युत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने जो लास्ट पढ़ा था इस चैप्टर नंबर 4 का लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था ये उसकी बात करना चाह रहा है।
समरूप आवेशित अचालक गोले कण विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य आलेख भी बनाइए। ये भी आपको थ्योरी में मैंने लिखवा रखा है, आप अचालक गोले वाला टॉपिक खोलें और उसमें जो ग्राफ है वो ग्राफ इसमें बनेगा जो एक नंबर का है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का भी एक टॉपिक है, आपको थ्योरी में लिखवा रखा है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, वो भी एक नंबर का था। क्लियर। अब आगे देखो, संधारित्र में संचित ऊर्जा जब किसी, ये जो बताया ना कि धारिताओं के व्युत क्रमानुपाती होता है, तो आपको वहीं से उठाना है व्युत क्रमानुपाती वाली पोजिशन तक। इसमें व्युत क्रमानुपाती वाली लास्ट स्टेप में आपको ये चीज़ लिखनी है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो बाह्य बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और कार्य करने में ऊर्जा खर्च होती है, यही ऊर्जा संधारित्र में एकत्र हो जाती है, इस ऊर्जा को संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। तो डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू बराबर सी टू अपॉन सी वन, ये आपको अंतिम वाला टॉपिक लिखना है, मतलब शुरुआत में तो थ्योरी की कॉपी में दे ही रखा था और अंत में आपको ये चीज़ लिखना है इसके उत्तर के। 2019 में सवाल आया था 10^-9 का 9 कूलाम, आगे कुछ लिखा नहीं है, इसमें गड़बड़ हो गई शायद। 10^-9 का 9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण एक मीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करो। ये सवाल आया था जो आप कर सकते हैं, V बराबर के क्यू अपॉन R से, ठीक है। यहाँ Q का मान ये दे रखा है, R का मान एक मीटर दे रखा है। इस वजह से कर लेना, आपको एक नंबर का रहता है। इसके बाद ये रखा अगला, निम्न को परिभाषित करो, और परिभाषित कह रहे विद्युत विद्युत आवरण और सम विभव प्रश्न, दोनों आपको लिखवा रखे हैं मैंने। संधारित्र की परिभाषित कीजिए, परिपथ चित्र बनाकर तीनों संधारित्रों के, अब ये इसमें भी पूरा नहीं लिख रखा, तीनों संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए, ये सवाल है इसमें, ठीक है। दिए गए बिंदुओं में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल हमें दे रखा है, तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, ये दोनों समांतर क्रम में है और एक जब समांतर क्रम में होता है तो 2 माइक्रोफेरड बनता है, इन दोनों से भी 2 माइक्रोफेरड बनेगा। इस वजह से देखो ये 2 और 8 ऐसे कैसे, यहाँ 4 4 तो बन गया 8 और वो 1 और 1 बन गया 2 माइक्रोफेरड। आगे बढ़ो, उनको वैसे लिख दिया, 2 2 को यहाँ लिख दिया, 8 8 को यहाँ लिख दिया, 2 2 मिलके बनेंगे 2 × 2/2 + 2, 4/4 = 1 माइक्रोफेरड, और 8 8 से बनेंगे 8 × 8/8 + 8 = 4 माइक्रोफेरड। अब ये 1 माइक्रोफेरड और 4 माइक्रोफेरड दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम का सीधा फॉर्मूला होता है C1 + C2, 1 + 4 = 5 माइक्रोफेरड आंसर। तो ये चैप्टर खत्म हुआ, अब हम अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।